गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं नीरज आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स बेटा, देखिए आप लोगों को याद होगा कि पिछले लेक्चर के अंदर भी हम लोग एग्रीकल्चर का टॉपिक पढ़ रहे थे और आज का वीडियो भी एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए ही है। और आज के टॉपिक को अगर मैं बात करूँ आपसे तो ये हमारा वही पिछला टॉपिक ही है। अगर मैं उसका नाम यहाँ पर लिखूँ तो वो है हमारी मृदा अभिक्रिया। मृदा अभिक्रिया चैप्टर नंबर 5, 3 नंबर का टॉपिक है। 2 क्वेश्चन आते हैं, आपको बता चुका हूं मैं पिछले वीडियो के अंदर ये कि यहां से 2 क्वेश्चन आते हैं। 1 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा और 2 नंबर का 1 क्वेश्चन आपको यहां देखने को मिलता है। अब पिछले टॉपिक की अगर बात की जाए कि पिछले वीडियो में हमने क्या लास्ट टॉपिक की बात की, थोड़ा सा रिविजन आपको मैं देता हूँ कि इस चैप्टर के अंदर हमने बात की थी पीएच को लेकर कि पीएच क्या है। उसको थोड़ा सा मैं रिवाइज आपके लिए कर देता हूँ कि एक्चुअल में पीएच क्या होती है। देखिए, हमने बात की इसमें पीएच की, तो पीएच के लिए मैंने आपसे कहा था पीएच क्या है, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहा जाता है। ये बात हमने कर दी थी बेटा। अगर आगे की बात करें हम कि इसके आगे और क्या हो सकता है, तो देखिए पीएच की जब बात हो रही थी तो हमने कहा था कि पीएच तो ये सामान्य सी बात हो ही गई हमारी। उसके बाद हमने पीएच स्केल की भी बात की और कहा था कि पीएच स्केल जो होता है उसमें 0 से लेकर 14 तक के अंक होते हैं और उन्हीं के आधार पर हम मानते हैं या कहते हैं कि पीएच ज्ञात करते हैं किसी भी पदार्थ का, मृदा का, कि अगर 0 से 7 के मध्य आ रहा है तो उसे हम अम्लीय बोलते हैं, 7 से 14 के मध्य में आ रहा है तो उसे हम क्षारीय कहते हैं, और एग्जैक्ट 7 वैल्यू आ रही है तो उसे हम कहते हैं उसका उदासीन। साथ में हमने बात की थी कि मृदा पीएच को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं जो मृदा पीएच को प्रभावित करते हैं, तो उसके लिए हमने 2 कारकों की बात की थी। पहले विशेष रूप से वो थे हमारे अम्ल उत्पादक कारक और भस्म उत्पादक कारक, और उसके बाद हमारे बड़े इंपॉर्टेंट कारक आए थे जिन्हें हमने कहा था मृदा पीएच को प्रभावित करने वाले कारकों में। हमने 8 कारकों की बात की थी, जैसे अगर उनके नाम मैं आपके लिए बोलूं तो हम कह रहे हैं उन्हें पैतृक पदार्थ, अवक्षेपण, कार्बनिक पदार्थों का विघटन, मूल वनस्पति, फसल की प्रकृति, मृदा की गहराई, नाइट्रोजन उर्वरक, जलमग्नता आदि। इन सब की बात हमने वहां पर की थी, यानी ये जो टॉपिक थे हमारे सारे, ये सभी टॉपिक मिलाने पर अगर कहा जाए तो एक हमारा एक वीडियो कंप्लीट हुआ था। हमने पिछले 2 वीडियो के अंदर इस टॉपिक के बारे में बात की है। अब बात करते हैं अगले हिस्से की, और अगर मैं आपको छोटी जानकारी दूं तो आपको बता देता हूं कि वर्ष 2020 के पेपर, यानी कि पिछले सत्र का जो पेपर हुआ था, इस साल जो पेपर हुआ था एग्रीकल्चर का, केमिस्ट्री का, उस एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के पेपर में इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आया था। वो ये था, मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के उस क्वेश्चन को थोड़ा सा बता देता हूं। मेरे पास पेपर रखा हुआ है, अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं कि कौन सा क्वेश्चन यहां से आया था, तो देखिए क्वेश्चन आया था मृदा पीएच को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 कारकों का वर्णन कीजिए। मृदा पीएच को प्प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 कारकों का वर्णन कीजिए। तो आपको जो 8 नाम थे, उन 8 नामों में से किन्हीं 4 का वर्णन करना है। और 2 नंबर का ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था और आधे नंबर के टुकड़े के अंदर बांटते हुए इसको पूछ लिया गया था, ठीक है। यानी कि हमसे कहा गया था कि आधा नंबर का टुकड़ा है, अगर उसे हम जोड़ देते हैं तो कुल मिलाकर 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। अगर आप 2 पॉइंट कर पाते हैं तो 1 नंबर का आपका हिस्सा बन जाता है, अगर आप 3 पॉइंट करते हैं तो 1.5 नंबर का, और अगर 4 पॉइंट पूरे से कर पाते हैं तो वहां आपके 2 नंबर तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार से हमने बात की थी हमारे टॉपिक। अब बात करते हैं आज के टॉपिक को लेकर के, आज का टॉपिक क्या है, किस तरह से है, देखते हैं। देखिए हमारे, अगर आपको याद होगा तो हम जो मृदा पीएच को प्रभावित करने कारक को पढ़ रहे थे, उसके बाद हम पढ़ेंगे अब मृदा पीएच का महत्व, कि मृदा पीएच का किस प्रकार से महत्व है। और ये हिस्सा भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि मृदा पीएच का जो महत्व है, उस महत्व के आधार पर आपसे कहा जाए तो मृदा किस प्रकार से उपयोगी होती है, मृदा पीएच किस प्रकार से लाभदायक होता है, क्या क्या इसके मायने होते हैं, उन सब की चर्चा यहाँ पर हम करते हैं। देखिए अगर बात की जाए पहले पॉइंट की, तो हमारा आता है पोषक तत्वों की प्राप्तता पर प्रभाव। अब बात है पोषक तत्वों की प्राप्तता पर क्या प्रभाव पड़ता है,
तो पोषक तत्व हैं उनकी प्राप्तता है, किस प्रकार प्राप्त होते हैं, क्या उनका तरीका है, या उनकी जो प्राप्तता जमीन में उपलब्ध है, जमीन में जो उपलब्धता है उसको पीएच किस प्रकार प्रभावित करती है, यही बात हमें यहाँ से पढ़नी है। तो मैं कुछ पॉइंट्स के माध्यम से आपको समझाने के लिए वहाँ कुछ लिखा है, देखें। देखिए पहला आता है मृदा का पीएच मान कम होने पर। देखिए एक एक बात को मैं आपको स्पष्ट यहाँ से करते जा रहा हूँ। मृदा का पीएच मान कम होने पर आयरन मैग्नीज एल्यूमिनियम, आयरन मैग्नीज एल्यूमिनियम आदि तत्व अधिक घुलनशील होते हैं। तो बहुत ही आसान सी बात मैं आपके लिए यहाँ पर कर रहा हूँ कि मृदा का पीएच मान कम होगा, यानी कि मृदा अगर अम्लीय प्रकृति होगी, हल्की अम्लीय प्रकृति की होगी, तो उस अवस्था में आयरन मैग्नीज एल्यूमिनियम आदि जैसे जो तत्व होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, वो अधिक मात्रा में घुलनशील होते हैं मृदा के अंदर, अतः ये आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। देखिए जो पदार्थ मृदा में अधिक मात्रा में घुलनशील होगा, मृदा में अधिक मात्रा में उपस्थित होगा, उसकी प्राप्ति भी आसान हो जाएगी, यानी कि वहाँ उसको प्राप्त करना आसान हो जाएगा, आसानी से वो हमें प्राप्त हो सकेगा। समझ आ रही है आपके बात, वो आसानी से हमें प्राप्त हो सकेगा, आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, जबकि अधिक पीएच पर ये प्राप्त नहीं होते हैं। यानी कि अगर पीएच मान अधिक हो जाए, मृदा अधिक क्षारीय हो जाए, तो उस अवस्था में इन पदार्थों की प्राप्ति पर असर पड़ता है, ये कम घुलनशील हो जाते हैं, और कम घुलनशील होंगे तो आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं। बात करते हैं अगले पॉइंट की। पहला पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले पॉइंट की बात हम करते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा, मृदा की पीएच जो होती है अगर 6 से 8 के मध्य हो, समझिए इस बात को, मृदा की पीएच अगर 6 से 8 के मध्य हो तो मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक पाई जाती है। मृदा में किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है? नाइट्रोजन की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो मृदा की पीएच 6 से 8 के मध्य होने पर मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक पाई जाती है, बहुत ही सामान्य सी जानकारी है। अब बात करिए कि नाइट्रोजन की मात्रा अधिक पाए जाने से क्या फर्क पड़ रहा है पौधों की वृद्धि पर, पौधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप जानते हैं कि पौधों की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन का होना अति आवश्यक है, यानी अगर पौधे को वृद्धि करनी है तो उसको वहाँ पर नाइट्रोजन की अति आवश्यकता होती है, यानी वहाँ पर नाइट्रोजन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पीएच मान 6 से 8 के मध्य होता है मृदा का, तो मृदा में जो नाइट्रोजन है वो आसानी से उपलब्ध हो जाती है, और मृदा में जो उपलब्ध नाइट्रोजन है उसका उपयोग पौधे अपनी वृद्धि के लिए कर लेते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि मृदा की जो पीएच है वो पोषक तत्वों की प्राप्ति पर प्रभाव डालती है, और नाइट्रोजन जानते हैं आप, देखिए आपने बेटा पढ़ो होगा NPK, ये तीन तत्वों को आपने पढ़ा होगा जो हमें गुरु पोषक तत्व कहलाते हैं। ये गुरु पोषक तत्व अगर किसी भी पौधे के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, गुरु का मतलब है ये ऐसे पोषक तत्व हैं जिनकी पौधों को अधिक आवश्यकता होती है। इसका मतलब है कि जो नाइट्रोजन है जो आसानी से उपलब्ध नहीं होता है, जब पौधों को मिल जाता है तो पौधों की वृद्धि बढ़ जाती है। अगला है हमारा, मृदा की पीएच 6.5 से 7.5 के मध्य होने पर, मृदा की पीएच 6.5 से 7.5 के मध्य होने पर मृदा में फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाती है, फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाती है। देखिए अभी जिन गुरु पोषक तत्व की बात कर रहे थे उसी के अनुसार अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि 6 से लेकर 8 के मध्य में नाइट्रोजन भी उपलब्ध हो जाता है और फास्फोरस भी उपलब्ध हो जाता है। तो मृदा की जो पीएच मान है जिसे हम उत्तम पीएच मान बोलते हैं वो कौन सा होता है? 6 से 8 के मध्य, यानी उस अवस्था में मृदा के अंदर फास्फोरस और नाइट्रोजन दोनों की मात्रा अधिक पाई जाती है, दोनों ही गुरु पोषक तत्व अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं, और ऐसी अवस्था में पौधों की वृद्धि के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व है उनकी प्राप्ति आसानी से हो जाती है।
अगले बात करें, अगला पॉइंट हमारा यहाँ पर लेकर चलें अगले पॉइंट को, मृदा की अम्लीयता बढ़ने पर आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, यानी कि अगर मृदा की अम्लीयता में वृद्धि कर दी जाए, मृदा की अम्लीयता को बढ़ा दिया जाए, तो आयरन, मैग्नीज, कॉपर और जिंक आदि की प्राप्तता बढ़ जाती है। यानी कि आयरन, मैग्नीज, कॉपर जैसे पोषक तत्व जो हैं वो मृदा की अम्लीयता बढ़ने पर अधिक मात्रा में प्राप्त हो जाते हैं। पहले पॉइंट से लगभग समानता प्रदर्शित करता है कि पीएच मान कम होने पर इनके घुलनशीलता बढ़ जाती है, जिससे उपलब्धता में वृद्धि हो जाती है। तो वही बात है यहाँ पर कि मृदा की अम्लीयता बढ़ने पर, यानी कि पीएच मान के कम होने पर आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक जैसे जो पोषक तत्व हैं, जो धनायनिक पोषक तत्व हैं, उनकी प्राप्तता बढ़ जाती है, जबकि ऋणायनिक पोषक तत्वों की प्राप्तता में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ऋणायनिक पोषक तत्व से हमारा मतलब क्या है भाई? ऋणायनिक पोषक तत्व से हमारा मतलब है सल्फेट, फॉस्फेट, कार्बोनेट, ऐसे तत्वों की जो मात्रा है उसमें हमारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अम्लीयता अधिक होगी तो वहां पर धनायनिक पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। तो ये हमारा पहला प्रभाव था कि मृदा जो पीएच है वो किस प्रकार से प्रभावित करती है पोषक तत्वों की प्राप्ति को। तो देखिए इसके चार पॉइंट हमने पढ़े हैं, वो चारों पॉइंटों को मैं एक बार रिपीटेशन आपको वापस दे देता हूँ। देखिए क्या कहते हैं चारों पॉइंट। तो पहला पॉइंट है हमारा, मृदा का पीएच मान कम होने पर आयरन, मैग्नीज, एल्यूमिनियम आदि तत्व अधिक घुलनशील हो जाते हैं, अतः आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। घुलनशीलता बढ़ जाएगी, अधिक मात्रा में घुलनशील होंगे तो आसानी से हमें प्राप्त यहाँ से हो जाएंगे। दूसरा था मृदा की पीएच 6 से 8 के मध्य होने पर नाइट्रोजन अधिक पाई जाती है, जबकि 6.5 से 7.5 होने पर फॉस्फोरस की मात्रा अधिक पाई जाती है। यानी 6 से 8 के मध्य नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों अधिक मात्रा में उपस्थित हो जाते हैं। अगला है मृदा की अम्लीयता बढ़ने पर जो है आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक आदि की प्राप्तता में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, ये तो हमारा पहला हो गया। आप, मुझे उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये पहला पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट हमारा आता है सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव। देखिए बेटा ये जो पॉइंट है ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको अगर बताऊं इसके बारे में, क्योंकि यहाँ से आपका कोई भी 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मृदा पीएच के पोषक तत्वों की प्राप्ति पर प्रभाव को समझाइए, ऐसा क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में पूछा जा सकता है। तो ऐसी अवस्था में हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसे हम कैसे हल करेंगे, क्या उसका तरीका रहेगा, तो उसके हिसाब से वहां पर पूछा हमसे जाता है। तो देखें हम बात कर रहे हैं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव की, सूक्ष्म जीवों पर कैसा प्रभाव दिखाई देता है। तो देखिए उदासीन व हल्की क्षारीय मृदाओं में सूक्ष्म जीव अधिक सक्रिय होते हैं और मृदा की पीएच 5.5 से कम होने पर इनकी सक्रियता कम हो जाती है। देखिए हम बात कर रहे हैं कि सामान्यतः जो होते हैं उदासीन व हल्की क्षारीय मृदा के अंदर जो सूक्ष्म जीव हैं वो अधिक सक्रियता प्रदर्शित करते हैं, यानी कि उनकी सक्रियता उस अवस्था में बहुत अधिक होती है, वो अधिक क्रियाशील रहते हैं। लेकिन अगर मृदा की पीएच 5.5 से कम हो जाए तो एक्टिनोमाइसिटीज, जीवाणु आदि की संख्या और सक्रियता कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। तो ध्यान रखें आप, क्वेश्चन आपको तैयार हो जाता है, मृदा की पीएच 5.5 से कम होने पर इनकी सक्रियता क्या हो जाती है, कम। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि किस पीएच मान पर मृदा जीवों की या मृदा सूक्ष्म जीवों की सक्रियता कम हो जाती है। तो आपका उत्तर क्या होगा, 5.5 से कम होने पर ऐसा हो जाता है। ठीक है, देखिए ऐसा क्यों होता है, आपसे कुछ पूछा जाए कि ऐसा होता क्यों है कि 5.5 से कम होने पर सक्रियता कम हो जाती है, इसका क्या कारण है। तो इसका छोटा सा कारण है कि हम कहते हैं क्योंकि इनके द्वारा जो कार्बनिक पदार्थों का जो ऑक्सीकरण है या अपघटन है, विघटन है, वो इसी पीएच पर अधिक होता है। इस पीएच मान के कम या अधिक होने पर
उन कार्बनिक पदार्थों का विघटन कम या अधिक हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में वहाँ पर एक निश्चित पीएच रेंज दे दी जाती है जिस पीएच पर वो कार्य कर पाते हैं। अब देखिए, इसके बाद मैंने एक सारणी सी आपको यहाँ तैयार की है और ये सारणी बड़े काम की है आप लोगों के लिए। मैं कहूँ कैसे काम की है, क्या उसका उद्योग उपयोग है। देखें, सूक्ष्म जीव आपको दिए गए हैं, पीएच मान दिया गया है। यहाँ से आपका कोई भी एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे पूछ लिया जाएगा नील हरित शैवाल के लिए पीएच सीमा या पीएच परास क्या होती है, कितनी होती है, क्वेश्चन आपसे पूछा यहाँ से जा सकता है। जैसे बैक्टीरिया के लिए 6 से 7.5, एक्टिनोमाइसिटीज के लिए 5.5 से 7.5, कवक के लिए 3 से 9, शैवाल के लिए 5.5 से 7.5, एजिटोबैक्टर के लिए 6 से 7.5, नील हरित शैवाल के लिए 6 से 7.5, क्लॉस्ट्रिडियम के लिए 3 से 9, विजेरिंकिया के लिए 3 से 9 और प्रोटोजोआ के लिए 6 से 8। तो ये फिक्स मान हैं, फिक्स वैल्यू हैं, जिनके आधार पर आप बता सकते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपके लिए, बताएं शैवाल के लिए पीएच उपयुक्त पीएच कितनी होती है, तो आप कहेंगे 5.5 से 7.5। ऐसा क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में एक नंबर के अंतर्गत पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको ये सारणी यहाँ पर बनाई है। और आप लोगों को भी अपने नोट्स के अंदर ये सारणी प्रिपेयर कर लेनी है, सारणी बना लेनी है, जिससे कि आपको इस प्रकार किसी भी चीज़ का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो यहाँ उदासीन व हल्की क्षारीय मृदाओं में सूक्ष्म जीव अधिक सक्रिय होते हैं, तो मृदा की पीएच मान आपको यहाँ पर दे रखा है किस प्रकार है, क्या है, तो उस अवस्था में किस तरह की बात हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखें, उदासीन व हल्की क्षारीय मृदाओं में सूक्ष्म जीव अधिक सक्रिय होते हैं, तो मृदा की पीएच 5.5 से कम होने पर इनकी सक्रियता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और वहाँ सूक्ष्म जीवों के लिए मान यहाँ पर आपको अलग अलग दिए हुए हैं। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे की बात हम यहाँ पर अब करते हैं। तो देखें, अगला हमारा जो पॉइंट आता है वो है हमारा पौधों पर प्रभाव। अगला पॉइंट जो है वो पौधों पर प्रभाव है, यानी कि पौधों पर किस प्रकार प्रभाव दिखाई यहाँ पर देता है, किसका पौधों पर प्रभाव हमें दिखाई देता है यहाँ पर, सूक्ष्म जीवों का या मरी की मृदा पीएच का किस प्रकार प्रभाव हमें यहाँ से दिखाई देता है। अगर हम उसे देखने की कोशिश करें यहाँ से, देखें आता है हमारे यहाँ पर अम्लीय मृदाओं में पौधों की जड़ें कैसी होती हैं, पतली हो जाती हैं तथा कम संख्या में होती हैं। अम्लीय मृदाओं में पौधों की जड़ें कैसी होती हैं, पतली हो जाती हैं और कम संख्या में होती हैं, अतः जड़ों के दुर्बल तथा कमजोर होने के कारण पौधों की वृद्धि पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, मैंने बहुत शॉर्ट टर्म में आपको यहाँ पर लिखा है, देखें उसे। तो अम्लीय मृदाओं में पौधों की जड़ें कमजोर हो जाती हैं, जबकि क्षारीय मृदाओं में जड़ों का विकास रुक जाता है। मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा बता देता हूँ कि अम्लीय मृदाओं में जो पौधों की जड़ें होती हैं वो थोड़ी सी पतली हो जाती है, संख्या में कम हो जाती हैं, और ऐसी अवस्था में जो जड़ें होती हैं वो कैसी हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। ऐसी जड़ों में जो दुर्बल हो जाती हैं, कमजोर हो जाती है। और आप जानते हैं कि पौधों को जो पोषण की प्राप्ति है वो जड़ों के माध्यम से होती है, और ऐसी अवस्था में जब जड़ें वहां पर कमजोर या दुर्बल हो जाएंगी तो पौधों को पोषण प्राप्त नहीं होगा। ये बात आपको यहाँ पर समझ लेनी है कि किसी भी जिस तरह से हम भोजन करने के लिए हमारे मुंह का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर मान लीजिए आपको भोजन करना है और मुंह आपका सही काम नहीं कर रहा है, तो उस अवस्था में भोजन प्राप्त नहीं कर पाएंगे आप। इसी प्रकार से पौधे हैं, पौधों को जो पोषण की प्राप्ति होती है, जल की प्राप्ति होती है, पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है, विभिन्न खनिज पदार्थों की प्राप्ति होती है, वो सब जड़ से होती है। और ऐसी अवस्था में अगर जड़ वहाँ पर उपयोगी नहीं है, यानी कमजोर है, दुर्बल है, तो पौधे भी कैसे हो जाएंगे, दुर्बल ही हो जाएंगे। इसी प्रकार हम बात करें क्षारीय मृदाओं की, तो हम कह सकते हैं कि क्षारीय मृदाओं में हाइड्रोक्सिल आयन की उपस्थिति के कारण उनकी जो सक्रियता है या जड़ों का जो विकास है उसमें कमी हो जाती है, जड़ों का विकास रुक जाता है। तो यहाँ कह सकते हैं कि उपयुक्त पीएच रेंज यहाँ पर होनी चाहिए, ना अधिक होना चाहिए ना कम होना चाहिए। ऐसी अवस्था में
पौधे शीघ्रता से वृद्धि करते हैं। तो इसके लिए जो पौधों की पीएच रेंज होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 6.5 से 7.5 के मध्य में होनी चाहिए। आपको ये नोट कर लेना है कि 6.5 से 7.5 के मध्य अगर पीएच है तो वो पौधों के लिए उपयुक्त पीएच कहलाती है। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई होगी। देखिए और आगे की बात करें इसमें, तो हम कह सकते हैं कि मृदा जो पीएच है वो पादप पोषक तत्वों की प्राप्ति को भी प्रभावित करती है। अभी हमने पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा इसके बारे में कि पोषक तत्वों की प्राप्ति को भी प्रभावित करती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अत्यधिक कम या अत्यधिक पीएच होने पर मृदा की जो भौतिक दशा है उसमें खराबी आ जाती है, मृदा की भौतिक दशा खराब हो जाती है, और मृदा की भौतिक दशा के खराब हो जाने के कारण वो पौधों की पोषण पर विपरीत प्रभाव डालती है। अब देखिए बेटा, आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, मैंने एक टेबल आपके सामने यहाँ तैयार किया हुआ है, उसे समझें और मैं आपको बताऊंगा भी कुछ बड़ी इम्पोर्टेंट सी बात यहाँ से। देखें क्या है, ये कुछ फसलें हैं और फसलों के सामने उनका पीएच मान दे दिया गया है कि किस फसल के लिए कितना पीएच उपयुक्त होता है। जैसे गेहूं के लिए 6 से 7.5, जौ के लिए 6 से 7.5, जई के लिए 5 से 8, मक्का के लिए 6 से 7.5, धान के लिए 4.5 से 8.5, मूंगफली के लिए 5.5 से 6.5, मटर के लिए 5.5 से 7, चना व मसूर के लिए 5.5 से 7, गन्ने के लिए 6 से 8, कपास 5.5 से 7, आलू 4 से 6, चाय भी 4 से 6, और बरसीम है 6.6 से और 8। यानी ये अलग अलग पीएच मान हैं जो अलग अलग फसलों के लिए उपयुक्त होते हैं। फिर मैं आपसे कह रहा था सारणी से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, और वर्ष 2019 आरबीएसई बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, बरसीम की फसल के लिए उपयुक्त पीएच बताइए। क्वेश्चन पूछा गया था 2019 के अंतर्गत, और 2020 में क्या पूछा गया है मैं आपको एक बार पेपर से दोबारा बता देता हूं। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, गेहूं की फसल के लिए मृदा का उपयुक्त पीएच मान लिखिए। तो मैंने आपसे कहा था कि बोर्ड एग्जाम में आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पूछा गया है कि गेहूं की फसल के लिए उपयुक्त पीएच मान लिखिए। तो ये वर्ष 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए एक ही सारणी से दो लगातार दो अलग अलग फसलें पूछ ली गई हैं। तो और भी फसलें हैं इसमें, बहुत सारी हैं, आप याद कर लेंगे सारणी को तो आपका एक नंबर शायद पक्का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। नोट आपने कर लिया होगा, ये अभी हमने पढ़े थे हमारे तीन टॉपिक, उसके बाद हम पढ़ते हैं अगला हमारा नंबर 4 पीएच का पादप रोगों पर प्रभाव।
देखिए कौन सी जो पीएच मान है वो किस प्रकार के पादप रोग को प्रभावित करती है, यानी कि आप कह सकते हैं कि एक विशेष पीएच रेंज पर, एक विशेष पीएच मान पर भिन्न भिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं। तो कौन कौन से रोग हैं जो अलग अलग समय पर आपको देखने को मिलते हैं, कि कौन कौन सा रोग अलग अलग समय पर या अलग अलग पीएच मान पर होता है। तो हम बात करें फिंगर व टो रोग की, मैं लिखता हूं फिंगर व टो रोग, जो कि सामान्य रूप से क्रूसीफेरी कुल के पौधों में पाया जाता है। फिंगर व टो रोग पाया जाता है क्रूसीफेरी कुल के पौधों में और यह अम्लीय मृदाओं में अधिक पाया जाता है। किस प्रकार की मृदाओं में? अम्लीय मृदाओं में अधिक पाया जाता है। अम्लीय मृदाओं में अधिक पाया जाता है, यानी कि पीएच मान कम होने पर ये फिंगर व टो रोग क्रूसीफेरी कुल के पौधों में अधिक पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे पौधों को हमें हल्की क्षारीय मृदा में उगाना चाहिए, हमें अम्लीय मृदा में इनका उपयोग कम करना चाहिए, इससे कि ये रोग ना हो। अगला आता है हमारे पास पोटैटो स्कैब, यह इसे हम कहते हैं आलू का चर्म रोग। देखिए पोटैटो स्कैब या आलू का चर्म रोग क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि जो आलू की स्किन है वो वहां पर खराब हो जाती है, गलना शुरू कर देती है, तो वो रोग होता है मुख्य रूप से, और ये उदासीन व क्षारीय मृदाओं में अधिक पाया जाता है। तो लिख देता हूं इसे मैं, यह है उदासीन व हल्की क्षारीय मृदाओं में अधिक पाया जाता है। यह उदासीन में हल्की क्षारीय मृदाओं में अधिक पाया जाता है। अगला जो बात करें तो अगला आता है हमारा जई का भूरा धब्बा रोग, जिसे हम कहते हैं जई का ग्रे फ्लैक। ठीक है, जो जई का हमारा ग्रे फ्लैक या भूरा धब्बा रोग है, ये जई का भूरा धब्बा रोग जो होता है सामान्य रूप से उदासीन मृदाओं में अधिक पाया जाता है। इसका मतलब मृदाओं जो फसल है उसे उदासीन मृदा में नहीं उगाना चाहिए, यह है उदासीन मृदा में। अधिक पाया जाता है उदासीन मृदाओं में, कैसा पाया जाता है? अधिक पाया जाता है, इसका मतलब इन्हें उदासीन मृदा में नहीं उगाना चाहिए। इसका मुख्य कारण क्या होता है? मैग्नीज की कमी। मैग्नीज की कमी के कारण ये सामान्य रोग देखने को हमें मिलता है। अगला आता है हमारा गेहूं का टेक ऑल रोग, गेहूं का टेक ऑल रोग है, यह कवकों के कारण उत्पन्न होता है, क्योंकि हल्की छाया मृदाओं में
अधिक पाया जाता है। समझे इसका मुख्य कारण क्या है? कवक। कवक के कारण होता है और हल्की क्षारीय मृदाओं में अधिक पाया जाता है। हल्की क्षारीय मृदा में क्या पाया जाता है? अधिक पाया जाता है। तो आप कह सकते हैं इसके लिए, मैं एक बार इसको थोड़ा सा आपको रिपीट कर देता हूं वापस और थोड़ा सा समझा देता हूं कि पीएच का जो पादप रोगों प्रभाव है, और कुछ मुख्य रोग हम यहां पर लिख रहे हैं, जैसे है हमारा फिंगर वे टू रोग, जो कि सामान्य रूप से पाया जाता है क्रूसीफेरी कुल के पौधों के अंदर। फिंगर वे टू रोग, इसमें देखिए सामान्य रूप से जो जड़ें हैं वो उंगलियों के समान हो जाती हैं और गांठें उनमें बन जाती हैं, उसे कहा जाता है फिंगर वे टो रोग, जो क्रूसीफेरी कुल के पौधों में पाया जाता है। हम कहते हैं अम्लीय मृदा में ये अधिक पाया जाता है, यानी कि ऐसा जो रोग है वो फसलों में कब अधिक पाया जाएगा? जब फसलों को अम्लीय मृदा में उगाया जाएगा। इसका मतलब इससे बचने के लिए आप फसल है उसको अम्लीय मृदा की जगह हल्की क्षारीय मृदा में उगाएं, तो ये फसल उस रोग से बच जाती है। देखिए आगे बात करें तो अगला आता है हमारे पास पोटेटो स्कैब, या जिसे कहते हैं आलू का चर्म रोग। पोटेटो स्कैब या आलू का चर्म रोग क्या होता है? तो देखिए आलू, मैंने आपसे कहा था कि आलू की जो स्किन होती है वो इससे खराब हो जाती है, इसे हम कहते हैं पोटेटो स्कैब या आलू का चर्म रोग। और ये मुख्य रूप से जो है वो उदासीन व हल्की क्षारीय मृदाओं में अधिक पाया जाता है। जो पीएच मान है वो लगभग 7 के आसपास है, तो उस अवस्था में आप कह सकते हैं कि ये रोग अधिक पाया जाता है। तो लग देता हूं कि पीएच जो है वो 7 के लगभग होनी चाहिए। पीएच के 7 के लगभग होने पर यह रोग अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला है हमारा जई का ग्रे फ्लेक या भूरा धब्बा रोग, जिसे हम कहते हैं। लेकिन बेटा इनके दोनों नामों में याद रखना जरूरी है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जई का ग्रे फ्लेक रोग का दूसरा नाम देखिए तो उसका दूसरा नाम क्या है? जई का भूरा धब्बा रोग है। यह मुख्य रूप से उदासीन मृदा में पाया जाता है और इसका मुख्य कारण क्या है? मैग्नीज की कमी, यानी उदासीन मृदाओं में मैग्नीज की कमी होती है, इसलिए रोग अधिक वहां पर पाया जाता है। अगली बात करें तो अगला आता है हमारे पास गेहूं का टेक ऑल रोग। गेहूं का टेक ऑल रोग, जो कि कवकों के कारण उत्पन्न होता है, यानी कि मृदा में अगर कवकों की मात्रा बढ़ जाए तो यह रोग वहां पर उत्पन्न हो जाता है। इसे कहते हैं गेहूं का टेक ऑल रोग, जो कवकों के कारण उत्पन्न होता है। और अगला है हमारा जिसका आता है वो हल्की क्षारीय मृदा में रोग अधिक पाया जाता है। तो हल्की क्षारीय मृदा होने पर इस रोग की मात्रा बढ़ जाती है, इस रोग का कारण बढ़ जाता है, तो यह हमें यहाँ पर याद रखना है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। पांचवा जो आता है हमारा, पांचवा है हमारा पीएच का मृदा के भौतिक गुणों पर प्रभाव। तो मृदा के मृदा के भौतिक गुणों पर किस प्रकार से प्रभाव होगा? तो हम कहते हैं कि पौधों की जो उचित वृद्धि है उसके लिए दानेदार मृदा का होना बहुत जरूरी है। दानेदार मृदा होती है तो बाधित्वी होती है और उसमें कार्बनिक पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो हम पॉइंट पर उसे लिखने की कोशिश करते हैं। तो हम कहते हैं पौधों की उचित वृद्धि के लिए मृदा दानेदार बातित बे कार्बनिक पदार्थ युक्त होनी चाहिए।
यानी कि जो मृदा है वो कैसी होनी चाहिए, दानेदार होनी चाहिए, बाधित होनी चाहिए और उसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा पाई जानी चाहिए। ऐसी जो मृदा होती है पौधों की वृद्धि के लिए उपयुक्त होती है। जब हम बात करें कि ऐसी अवस्था अच्छी है लेकिन अगर अम्लीय मृदा की बात की जाए तो हम कहते हैं कि अम्लीय मृदा में जो रंध्र होते हैं वो कम होते हैं, अम्लीय मृदा में रंध्रों के कम होने के कारण, देखिए अम्लीय मृदा में रंध्रों के कम होने के कारण वहां पर जो सूक्ष्म जीव बैक कैचुए आदि के जीवन पर संकट आ जाता है। इसका मतलब क्या है समझें, संकट आ जाने से मतलब क्या है हमारा यहाँ पर, कि देखिए मृदा के अम्लीय मृदा होती है उसमें रंध्रों की संख्या बहुत छोटी होती है और कम होती है, इसलिए जो मृदा की जो बातन क्रिया है वो बहुत कम हो जाती है। और जानते हैं कि सूक्ष्म जीव हो या कैचुए हो, इन सब के लिए श्वसन क्रिया बेहद आवश्यक है। श्वसन क्रिया में बाधा उत्पन्न हो जाती है और वहां पर उनका जीवन है वो खतरे में आ जाता है। जबकि अगर बात की जाए क्षारीय मृदा की, जबकि क्षारीय मृदा में कण बहुत छोटे होते हैं अतः निचली सतह अधिक कठोर हो जाती है जिससे अधिक कठोर हो जाती है तथा मृदा की ऊपरी सतह है उसमें मृदा की संरचना का अभाव हो जाता है, इसलिए आसानी से उसका अपरदन हो जाता है। देखिए मृदा जो पीएच है उसका भी यहाँ पर विशेष प्रभाव आपको दिखाई देता है। कि प्रभाव किस प्रकार का होता है कि पीएच का मृदा के भौतिक गुणों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो भौतिक गुण देखिए मृदा की जो भौतिक गुण हैं वो बहुत प्रभावित होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि पौधों की उचित वृद्धि के लिए मृदा कैसी होनी चाहिए, मृदा होनी चाहिए दानेदार, बाधित और कार्बनिक पदार्थों युक्त होनी चाहिए। लेकिन जब अम्लीय मृदा होती है यानी उसका पीएच मान कम होता है तो रंध्रों के कम हो जाने के कारण सूक्ष्म जीव कैचुए जो होते हैं उनका जीवन संकट में आ जाता है, यानी कि वहां पर रंध्र कम होते हैं तो वायु बातन की क्रिया नहीं हो पाती और बातन नहीं होगा तो उनको वायु नहीं मिलेगी और वायु नहीं मिलेगी तो श्वसन क्रिया वो संभव रूप से नहीं कर पाएंगे तो उनके जीवन पर संकट आ जाता है। तो जबकि क्षारीय मृदा में कण बहुत छोटे होते हैं इसलिए जिनकी निचली सतह होती है वो तो अधिक मजबूत अधिक कठोर बन जाती है, लेकिन ऊपरी सतह में संरचना का अभाव हो जाने के कारण वहां पर मृदा का अपरदन आसानी से हो जाता है। मृदा के अपरदन को तो आप समझते ही हैं कि मृदा का अपरदन क्या होता है, क्योंकि मृदा का अपरदन ऐसा टॉपिक है जो आप लोगों ने शायद पढ़ा हुआ है। मृदा का कटाव अपरदन, मृदा का अपरदन दो प्रकार से हो सकता है, जल के माध्यम से और वायु के माध्यम से आसानी से हो सकता है। अब बात करते हैं इसके अगले पॉइंट की। नंबर 6 वो है हमारा पीएच का घास पर प्रभाव। पीएच का घास पर प्रभाव, अब घास पर किस प्रकार होता है,
हम लिख सकते हैं, देखिए इसे मैं लिखता हूं इसे यहां पर अम्लीय मृदाओं में, अम्लीय मृदाओं में कुछ घास तीव्रता से बढ़ती हैं, कुछ घास तीव्रता से बढ़ती हैं अतः अम्लीय मृदाओं में कुछ घास तीव्रता से बढ़ती है अतः ये पौधों की वृद्धि को प्रभावित करती है। ठीक है, देखिए आज जो हमने पढ़ा वो मृदा का पीएच पर महत्व था, यानी कि जो मृदा पीएच है वो किस प्रकार से प्रभावित करती है, उस टॉपिक को हमने पढ़ा। और आज हमने उसके 6 पॉइंट पढ़े। मैंने आपसे कहा कि हर टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर का क्वेश्चन भी यहाँ से हो सकता है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अगले टॉपिक के लिए और बात करेंगे और उम्मीद करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको चैप्टर को कंप्लीट कर दें। थैंक यू।